क्योंकि दोस्तों यार हमें सारे मॉडल्स खुद परचेस करने पड़ते हैं, हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिलता है ब्रांड की तरफ से, तो यार अपना सपोर्ट आप बना के रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 120 वॉट 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इस मॉडल की जल्दी से वीडियो लेकर आइए, सो फाइनली आज हम आपके लिए इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। एंड अगर आपको इस मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का परचेज लिंक दे दूंगा, आप जाकर परचेज कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 7,499 रुपीज। सर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यार दोस्तों काफी बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इस पर हमें HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट मिल जाता है। बस देखते हैं यार दोस्तों कि साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है, क्योंकि यार आपको पता है यार जब तक साउंड क्वालिटी बढ़िया हमें नहीं मिलेगी तो हम उसको बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। सो उसके लिए आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 120 वॉट 4.1 होम थिएटर का बॉक्स। एंड देखिए दोस्तों यार सबसे पहले बॉक्स जो इस बार हमें मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से वो उतना बढ़िया कंडीशन में नहीं मिला है, थोड़ा सा पुराना सा लग रहा है। बट देखते हैं यार दोस्तों कि अंदर से सामान हमें ब्रांड न्यू मिले। सबसे पहले हम थोड़े बॉक्स को डिटेल में देख लेते हैं। देख लीजिए डिज़ाइन हमें बॉक्स पर बना हुआ मिल जाता है। एंड इधर पे देख लीजिए दोस्तों थोड़े स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों इस पर हमें 120 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में दोस्तों ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट भी हमें मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, ऑक्सिलरी पोर्ट भी हमें इस पर मिल जाता है, एंड हमें FM रेडियो भी मिल जाता है। साथ में दोस्तों इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए दोस्तों फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड आपको हर एक चीज को डिटेल पे दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें थोड़ा पेपर वर्क इस पर मिल जाता है, यूजर मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी, FM एंटीना केबल हमें मिल जाती है, साथ में हमें ऑक्स केबल भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है। दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। फटाफट से इसे अनरैप करते हैं एंड आपको डिटेल पे दिखाते हैं। सो हम अपने रिमोट कंट्रोल से पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं दिखा देता हूं इस पर हमें कौन कौन से बटन्स मिल जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है, ट्रेबल एंड बेस को एडजस्ट करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट, LED, ब्लूटूथ, इक्वलाइजर, सोर्स, मूवी, म्यूट एंड रीसेट, ये सारे बटन्स हमें रिमोट कंट्रोल पर हमें मिल जाते हैं। एंड नीचे से देख लीजिए मोटो की ब्रांडिंग भी हमें मिल जाती है। बाकी दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी हमें एवरेज सी मिल रही है, मतलब उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है। दोस्तों हमें बॉक्स पर 2 बैटरीज भी नहीं मिलती है, हमें अलग से परचेज करनी पड़ेगी। बाकी देख लीजिए दोस्तों हमें सारे सैटेलाइट स्पीकर्स को रखने के लिए स्टैंड भी इस पर मिल जाता है, जो कि यार मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। मैं आपको एक बार डिटेल में इनकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यार क्वालिटी वाइज भी स्टैंड हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, एंड ये चीज़ दोस्तों थोड़ी यूनिक भी लगी हमें। चलिए दोस्तों अब सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप करते हैं एंड आपको डिटेल पे दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल में दिखाऊंगा, बाकी के सैटेलाइट स्पीकर का भी हमें सेम डिजाइन मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों सामने की तरफ से हमें इस पर 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है, जिसका आउटपुट है दोस्तों 13 वॉट्स RMS का। बाकी दोस्तों सारे सैटेलाइट स्पीकर्स पर भी हमें 3 इंच के ड्राइवर्स लगे हुए मिल जाते हैं, एंड सभी का जो आउटपुट है वो 14 वॉट्स RMS का है। देख लीजिए कितनी ग्लॉसी फिनिशिंग हमें मिल जाती है साइड से। एंड दोस्तों यार हमें वॉल माउंट का भी ऑप्शन इस पर मिल जाता है, तो यार ये चीज़ हमें काफ़ी बढ़िया लगी है। सो हम इसे पूरे डिटेल में आपको दिखा रहे हैं, आप इसे देख लीजिए। एंड दोस्तों टॉप पर देख लीजिए हमें मोटो की ब्रांडिंग भी इस पर मिल जाती है। दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर पर हमें एक चीज़ और बढ़िया लगी है, हम 2 सैटेलाइट स्पीकर को आपस में कनेक्ट करके साउंड बार भी बना सकते हैं, तो वो चीज़ का डेमो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यार ये चीज़ भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आप अपने टीवी के साथ इस मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे साउंड बार बनाकर वॉल माउंट भी कर सकते हैं, तो इसका जो डिज़ाइन है और भी अट्रैक्टिव हमें मिल जाएगा। तो यार ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगी है। बाकी दोस्तों 2 सैटेलाइट स्पीकर को आप एज ए स्टैंड में भी रख सकते हैं, या उन्हें भी आप साउंड बार बनाकर यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके सबवूफर को अनरैप करते हैं एंड आपको पूरे डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यार हमने सबवूफर को पूरा अनरैप कर दिया है। सबसे पहली चीज़ यार इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी मस्त हमें मिल जाता है, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको भी काफ़ी पसंद आएगा।
एंड दोस्तों सामने की तरफ से हमें इस पर मल्टी कलर आरजीबी लाइट्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, वो चीज़ दोस्तों हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। चलिए अब हम आपको इसे पूरे डिटेल पे दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों सामने की तरफ से हमें एलईडी डिस्प्ले सबसे पहले मिल जाता है, एंड दोस्तों उसके नीचे देख लीजिए हमें बीच में नोब मिल जाती है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, एंड हमें बटन्स भी मिल जाते हैं बेस एंड ट्रबल को एडजस्ट करने के लिए, पावर ऑन ऑफ, सोर्स, प्ले पॉज, स्कैन, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारे बटन हमें फ्रंट पे मिल जाते हैं। एंड नीचे से देख लीजिए मोटो की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। एंड देख लीजिए टॉप पर हमें एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है एंड यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए हमें बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी मिल जाता है एंड इस पर प्रोटेक्शन भी लगा हुआ हमें मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके बैक साइड को डिटेल में दिखा देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले हमें HDMI ARC ऑप्टिकल एंड FM एंटीना पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड दोस्तों नीचे से देख लीजिए हमें ऑक्स इनपुट पोर्ट, DVD इनपुट पोर्ट एंड हमें आउटपुट पोर्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे सारे स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। दोस्तों देख लीजिए इस साइड पर हमें 8 इंच का बेस ड्राइवर मिल जाता है एंड पूरा वुडन का कैबिनेट मिलता है। दोस्तों यार डिज़ाइन के हिसाब से तो लग रहा है कि यार इसकी बेस क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, एंड इस पर हमें 68 वाट्स RMS का बेस ड्राइवर मिल जाता है जो कि यार मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा है। मेरे ख्याल से साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हमें मिलेगी। एंड नीचे से देख लीजिए रबर पैडिंग भी हमें इस पर लगी हुई मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों यार ओवरऑल सबवूफर की मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। तो दोस्तों हमने इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करके रख लिया है। यार दोस्तों सबसे पहली चीज देखिए, इस पर जो हमें सामने की तरफ से लाइट्स मिलती है वो कितनी बढ़िया मिलती है। मतलब मल्टी कलर LED लाइट्स हमें सामने की तरफ से मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया हमें मिलती है। बाकी दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी भी हमें इसकी काफी बढ़िया मिलती है, बट हाँ सैटेलाइट स्पीकर्स की मैं ये कहूंगा कि यार दोस्तों उतनी भी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी नहीं है, एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी हमें मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों यार मुझे पसंद आया डिजाइन वाइज। तो अब इसका मैं आपको डिटेल पे डेमो दे देता हूँ, फिर दोस्तों इसका हल्का सा साउंड टेस्ट भी करेंगे। वैसे डिटेल साउंड टेस्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दी हम इस मॉडल का डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसे पावर ऑन कर लेते हैं एंड सबसे पहले आपको लाइट इफेक्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों यार कितना बढ़िया लाइट इफेक्ट हमें फ्रंट पे मिल रहा है। दोस्तों हम बेस एंड ट्रबल को एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। हम -6 से +6 तक बेस एंड ट्रबल दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज हमें काफी बढ़िया लगी है इस पर। चलिए दोस्तों अब इसकी मैक्स वॉल्यूम देख लेते हैं। दोस्तों इस पर हमें 30 तक की टॉप वॉल्यूम मिल जाती है, एंड हम देख लीजिए LED के इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। एंड हम ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर भी मिल जाता है, सो हम अपनी आवाज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ भी अच्छी लगी कि यार इस पर हमें बेस एंड ट्रेबल कंट्रोलर भी मिल जाता है, साथ में हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर भी मिल जाता है। दोस्तों हम सोर्स के बटन के थ्रू अलग अलग मोड पर जा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये FM मोड है, ये ऑप्टिकल मोड है, ये HDMI ARC मोड है, ये ऑक्स मोड है, DVD मोड है एंड ये ब्लूटूथ मोड है। एंड दोस्तों मूवी वॉचिंग के लिए हमें इस पर मूवी मोड भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। वैसे दोस्तों रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो भी आ जाएगा। हमने पूरी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, साथ में हमने आपको साउंड सैंपल भी सुना दिया है। आई थिंक यार आपको थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा कि यार इस मॉडल पर हमें कितनी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है। दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में यार दोस्तों डिसेंट से ऊपर ही साउंड क्वालिटी लगी है। लाउडनेस काफी बढ़िया हमें मिल जाती है एंड बेस क्वालिटी भी दोस्तों काफी बढ़िया हमें मिल रही है। बट दोस्तों अभी मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको नहीं बताऊंगा कि यार मुझे एक्चुअल में कितनी बढ़िया मिली है, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा डिटेल में इसे टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों मैं आपको ये चीज बता पाऊंगा कि यार आप लोग ये मॉडल
मॉडल को परचेस करें या नहीं करें। सो आपको डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों वो वाला जो साउंड टेस्ट होगा वो जैसे हम पहले साउंड टेस्ट करते थे उस तरीके से नहीं होने वाला है दोस्तों। उस साउंड टेस्ट में हम आपको डिटेल पे इंडोर पे साउंड टेस्ट देंगे, आउटडोर पे साउंड टेस्ट देंगे, एंड हम अपने टीवी के साथ भी इस मॉडल को कनेक्ट करके देखेंगे। पूरा मतलब डिटेल साउंड टेस्ट होगा। सो उस वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा, जल्दी वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। सो दोस्तों यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जरूर से अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, फ्यूचर में आपको हम सारे मॉडल्स कवर करके देंगे। क्योंकि दोस्तों यार हमें सारे मॉडल्स खुद परचेस करने पड़ते हैं, हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिलता है ब्रांड की तरफ से, तो यार अपना सपोर्ट आप बना के रखिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।